अहमद भाई कैसे मिजाज अच्छे हैं थके हुए लग रहे हैं आज भी नहीं नहीं अभी आपके साथ जो मैच खेला उसने थका दिया बहुत अच्छा खेला दो मैच में आपसे जीत गया हूँ और इंशाल्लाह ताला इसी तरह अटैकिंग अप्रोच से आपको सारे मैच चलाएंगे <laughs> <बहुंचा। laughs> आपका स्ट्राइक रेट चार ओवर के मैच में दो सौ अड़तीस और आपने बारह की एवरेज से खेला जो कि उस, उस फॉर्मेट के हिसाब से बहुत देखो प्लान यही था कि हार जाओ लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो इमाम आपसे स्टार्ट करूंगा आज अफगानिस्तान को खेलते हुए देखा तो ऐसा लगा कि अब परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप्सा आ रहा है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी हल्की हो गई परफॉर्मेंस आज के मैच में भी थोड़ा सा ऑफ कलर लगे क्या नजर लग आता है अफगानिस्तान के साथ कुछ कुछ हुआ है या यही आ, है बस क्रिकेट में देखिए नहीं कुछ हुआ तो नहीं इस हाँ। टूर्नामेंट में देखें पाकिस्तान से तो बेहतर ही खेले हैं फिर भी हमको क्योंकि वो सुपर एट में पहुँचे हैं बेहतर खेले हैं वो लेकिन देखें खासतौर पे वेस्ट इंडीज़ को होम एडवांटेज और इंडिया जैसी साइड को हराना अफगानिस्तान के लिए इतना आसान नहीं था ये ये ऑन द कार्ड्स था है लेकिन हाँ ये है था कि इससे बेहतर परफॉर्मेंसेज हो सकती थी क्योंकि जो मुझे लगा क्योंकि हम पहले दो तीन शोज में बात की कि उनकी बैटिंग बड़ी अच्छा कर रही थी सडनली जो है गुरबाज और जो ओपनर्स थे उनके रन नहीं आए दोनों इस मैचेस में तो ये जरा कंसर्न होगा उनकी टीम को भी क्योंकि अलार्मिंग है क्योंकि दोनों ओपनर्स बहुत अच्छी फॉर्म में थी जब जरूरत पड़ रही है उनको तो वो आज भी देखा मैंने दोनों चीपली आउट हो गए सेवेंटी फो फाइव थे तो ये एक हो सकता है कि ये उनका अलार्मिंग साइन है क्योंकि दोनों ओपनर्स को परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है अगर बड़े मैचेस में अगर आपने दे। देखें अब हम वेस्ट इंडीज आ गए तो यहाँ पे अब वन सेवेंटी अब कंटिन्यूसली होंगे और दो वाले मैचेस भी होंगे तो उसमें उनका बैटिंग का छः ओवर का क्योंकि वो दोनों अगर खेलते हैं तो उनको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो ये हो सकता है कि उनके लिए अलार्मिंग बैट्समैन को ऊपर थोड़ी सी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी पड़े और देखिए इंडिया जैसी साइड को हराना मैं फिर कहूंगा कि इतना आसान नहीं है मोस्टली इंडिया बेशक जो है पिछले दस साल से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता लेकिन हर टूर्नामेंट में आप देखते हैं वो फाइनल सेमीफाइनल में एंड करते हैं ठीक है तो वो उसके बाद जाके कहीं फंसते हैं तो वो ये मेरे ख्याल से इतना आसान ही होगा इंडिया और अफगानिस्तान का मेरे ख्याल से जब भी मैच होगा इंडिया आसान होगी इमरान भाई एक बॉल पे अफगानिस्तान को पचास रन चाहिए एक विकेट बाकी है क्या लगता है हो जाएंगे हाँ जी वाइड <laughs> हो गई फोर्टी नाइन वाइड होंगी तो देन फिर उसके बाद हो सकता है इम्पॉसिबल है और अमाम ने जिस तरह बात की है वंस वही थ्रू आउट जिस तरह उनके हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे क्योंकि उनके मिडल ऑर्डर में वो बैटर नज़र नहीं आ रहे वो परफॉर्मेंस नहीं जिस तरह हमने दो तीन मैच में देखा उनके ओपनर्स बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने क्रिकेट खेली और ऊपर अच्छा स्टार्ट देने के बावजूद भी मिडल ऑर्डर में उस तरह अच्छा फिनिश नहीं कर पाए लेकिन अनफोर्चुअली उनकी बॉलिंग बहुत एक्सट्रॉर्डनरी जिसकी वजह से वो मैच जीते लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा और अगर मैं उनकी बॉलिंग की भी बात करूँ तो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं, नहीं नजर आई जितनी उनके अगेंस्ट अगर न्यूजीलैंड की बात करें या दूसरी टीमों के तो आई थिंक मेरे में ये थोड़ा अभी और एक दो बैटर उनका जो मिडल ऑर्डर में स्पेशली ला हार्दिक पांड्या जिस तरह वो आके नीचे से प्ले करता है जो कोई और ऑलराउंडर तो वो एक कमी अभी भी नज़र है अभी तो आई थिंक मेरे हाल में उस पर ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो मच बेटर और टीम <laughs> अच्छी हो सकती है लेकिन फिर भी सुपर एट के लिए क्वालिफाई करना अच्छी क्रिकेट डे बाई डे इंप्रूवमेंट की तरफ वो आ जा रही जरूर रहे हैं अहमद है। भाई विराट कोहली की बात करें एक ज़माना था विराट कोहली को कहा जाता था यार ये इस लड़के में इतना टैलेंट है ये अहमद शहजाद के लेवल का प्लेयर है आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे वर्ल्ड कप में कोहली नहीं जम पा रहे स्ट्राइक रेट भी जीरो अभी बहुत कम है जीरो नहीं लेकिन क्या लगता है कि आगे बड़े मैच हैं फाइनल्स हैं सेमीफाइनल्स हैं डू यू थिंक कोहली उस स्टेज पर वापस आएंगे फॉर्म में देखिए आज उनके पास बड़ा एक जबरदस्त मौका था सेट भी हो गए थे हाँ. जब थोड़े से टफ कंडीशन के बाद इंसान थोड़ी सी बेटर पिच पर आता है तो वो कोशिश करता है थोड़ा अपना टाइम ले हाँ. थोड़ा पिच पर टाइम गुजारे और कन्वेंशनल शॉट खेले हमने देखा उन्होंने टाइम लिया इवन आज भी थोड़ा सा वो स्लो खेले क्योंकि पिच कंडीशंस अच्छी थी 24 बॉल पे उन्होंने 24 किया है लेकिन वो अब सेट थे आप इस तरह के बैट्समैन से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो सेट हो जाए तो टीम को लंबा लेके जाए हाँ। जो वो कर नहीं पा रहे हैं मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है आ, इंडियन क्रिकेट के लिए कि विराट कोहली का अच्छी फॉर्म में ना होना वर्ल्ड कप के अंदर इवन दो यू you नो know, उनकी जो एक क्लास है उससे कोई डिराई उनसे कर नहीं सकता और बड़े मैच आ रहे हैं और बड़े मैच के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल होगा रोहित का भी और विराट कोहली का भी लेकिन करंट फॉर्म जो है बड़े बड़े प्लेयर्स को हिला के रख देती है और ये जिस फॉर्म में आजकल विराट कोहली चल रहे हैं तो ये कोई इंडियन क्रिकेट के लिए आने वाले टफ़ मैचेस के अंदर अच्छा साइन नहीं है